बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद फिल्म इंडस्ट्री एक सदमे से गुजर रही है। इसी बीच एक खबर आई कि सुशांत सिंह के घर वालों ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि रिया ने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया और सुशांत सिंह से पैसे निकलवाए। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है रिया। रिया चक्रवर्ती ने अपने करियर की शुरुआत साल 2009 में आया रियलिटी शो स्कूटी 3 दिव से की थी। वह इस शो की विजेता तो नहीं बन सकी और रनअप बनकर उन्हें संतोष करना पड़ा। फिर उसके बाद उनको MTV के कई शोज होस्ट करने को मिले। उनकी जिंदगी में नया मोड़ तब आया जब उन्हें बॉलीवुड में पहली फिल्म करने को मिली। रिया ने बॉलीवुड में फिल्म मेरे डैड की मारुति से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। वहीं साल 2012 में उन्होंने तेलुगु फिल्म तुनेगा तुनेगा से अपने अभिनय करियर का डेब्यू किया। इस फिल्म में उन्होंने निधि नाम की भूमिका अदा की थी। उसके बाद वह हिंदी फिल्म सोनाली केबल में नजर आई। साथ ही रिया आयुष्मान खुराना के साथ म्यूजिक एल्बम ओए हीरिये में भी नजर आ चुकी हैं। रिया भी बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। आपको बता दें कि रिया का नाम आदित्य रॉय कपूर से भी जुड़ चुका है। दोनों को अक्सर एक दूसरे के साथ देखा जाता था। फिलहाल सुशांत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती ने खुद को सुशांत की गर्लफ्रेंड बताया है। न्यूज डेस्क।